साहिबगंज के दियरा इलाके में अक्सर अपराधी सक्रिय रहते हैं, पर अब इन इलाकों में अपराधियों की रोकथाम के लिए रिवराइन थाना तैयारी कर रही है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, देखिए रिपोर्ट। साहिबगंज में गंगा का दियरा इलाका, जहां बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के आपराधिक गिरोह फसल लूट लेते थे, नाव से रंगदारी वसूलते थे, अक्सर यहाँ गोलीबारी होती थी। लेकिन मुफस्सिल थाना और राजमहल थाना काफी दूर थे, जिस कारण समय पर पुलिस नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब यहाँ रिवराइन थाना बने, जिससे आपराधिक गतिविधि पर लगाम लगी। सुनिए रिवराइन थाने का प्लान। रिवराइन पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए 4 एकड़ की भूमि की अधियाचना की गई है, तो उसके आलोक में हम लोगों ने भूमि चिन्हितीकरण के लिए अंचल अधिकारी राजमहल को यहाँ से निर्देश दिया है। साहिबगंज जिले में रिवराइन पुलिस स्टेशन गंगा नदी के बीच गदाई दियारा में स्थापित करने के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से 4 एकड़ जमीन की मांग की गई। इसकी प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। इस थाने में 6 इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर और 8 हवलदार तैनात रहेंगे। इसमें 32 आरक्षी रहेंगे। रिवर राइन थाना एक बनने का है, उसकी कार्य प्रगति पे है। हम लोगों ने प्रस्ताव भी भेजा है और जल्द ही उस पे सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाना बाकी है। साहिबगंज के गंगा क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस सरकार के द्वारा रिवराइन थाने का निर्माण से दियरा क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम जरूर लगेगी। इससे दियरा क्षेत्र में रह रहे भोले भाले लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस हमेशा तैयार नजर आएगी। साहिबगंज से न्यूज 11 भारत के लिए सुधाकर की रिपोर्ट।